बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमारी पिछली क्लास जो चली हुई थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की थी बेटा। और मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि हमारी नेचर के अंदर कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जो बेटा डिफेंस का होती है, कॉन्स्टेंट होती है। जैसे मैं आपको बाद में बता के 11th क्लास में आएगा कि पूरे यूनिवर्स का जो मास है वो कंजर्व होता है। दूसरी चीज बेटा जो एनर्जी है वो भी क्या होती है बेटा, कंजर्व रहती है। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स वो है बेटा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम बेटा 10th क्लास में सीखो पढ़ेंगे। और अगर उसे बीपी अगर डिस्क्राइब करना है तो ये 12th क्लास का टॉपिक आएगा। ठीक है बेटा, एक है बेटा हमारे पास में कौन सा है, मोमेंटम। तो ये सभी इतनी फिजिकल क्वांटिटी हैं ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ऑब्वियस करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या करती है ये स्टूडेंट्स ऑब्वियस करती है। कंजर्वेशन का मैं आपको पिछली बार में भी समझा चुका हूँ कि बेटा कंजर्वेशन का मतलब होता है रिमेंस कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है, रिमेंस कॉन्स्टेंट। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक बॉडी है ए और ये क्या बेटा हमारी बॉडी बी है, इसका मास m1 है, इसका मास क्या बेटा m2 है। ये इनिशियल वेलोसिटी u1 से क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है, और ये कितने से मूव कर रही है बेटा, u2 से मूव कर रही है। अगर मान लो इसका अगर मैं टोटल मोमेंटम अगर दोनों बॉडी का अगर मैं देखता हूँ तो टोटल मोमेंटम ये स्टूडेंट्स इसका क्या होगा m1, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास, m2 में क्या होता है वेलोसिटी होता है। तो मास m2 में वेलोसिटी क्योंकि आप लोगों को न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन के बारे में पता है कि जो न्यूटन का थर्ड ऑफ मोशन है वो डियर स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए भी होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है बेटा, तो जब ये दोनों बॉडीज ए और बी एक दूसरे के साथ में बेटा इंटरेक्ट करेंगी तो बेसिकली क्या होगा बेटा कि जो ए वाली जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा v1 हो जाएगी और b2 जो है b जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा v2। क्यों होगी ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। जैसे मान लो इस वाली बॉडी का फोर्स fa है और इस वाली बॉडी का क्या बेटा फोर्स fb है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में बेटा कोलाइड करेंगी तो fb फोर्स कौन सी वाली बॉडी पर लगेगा स्टूडेंट्स, ए वाली बॉडी पर लगेगा। तो ए वाली बॉडी की वेलोसिटी u1 से क्या बन जाएगी बेटा v1 हो जाएगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u1 और फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी बेटा v1। ऐसे ही f1 फोर्स किस वाली बॉडी पर एक्ट होगा, मतलब fb इस पर एक्शन करेगा तो fa बी वाली बॉडी पर क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन करेगा और इसकी वेलोसिटी u1 से क्या बन जाएगी बेटा v2। तो इनका मोमेंटम कितना आएगा बेटा m1 v1 प्लस में क्या बेटा m2 v2। तो कंजर्वेशन ये कहता है कि जो मोमेंटम जो होता है वो रिमेंस कांस्टेंट होता है। मोमेंटम क्या होता है बेटा, रिमेंस कांस्टेंट। मतलब क्या है कि अगर ये बॉडी विदाउट कोलिजन अगर मूव कर रही है तो इनका जो टोटल जो मोमेंटम जो होगा वो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी जो चेंज होगी जो मोमेंटम जो आएगा वो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन के मोमेंटम के क्या होगा बेटा बराबर होगा। इट मींस किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो मैं आपको क्लास पिछली क्लास में मैं आप लोगों को ये चीज समझा चुका हूँ। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम एप्लीकेशंस करने वाले हैं किसकी बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ठीक है बेटा, तो आपको जरा ध्यान रखना, तो मैंने इंपल्स के बारे में आप लोगों को बताया था। किसके बारे में बताया था, इंपल्स के बारे में बताया था। इंपल्स के बारे में आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो इंपल्स जो होता है, इंपल्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। और एवरेज फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है।
ठीक है, ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और वहां पर मैंने आप लोगों के साथ में बहुत सारी एप्लीकेशन आप लोगों को बेटा मैंने एक्सप्लेन की थी, ठीक है। मैंने बताया था कि जब किसी बॉल को जब हम कैच करते हैं बेटा, तो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को जब हम कैच करते हैं तो ड्यूरिंग अपने हैंड्स को कहाँ लेके जाते हैं बेटा, बैकवर्ड आसन कर लेके जाते हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल को मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ, और आपको जरा ध्यान हो तो मैंने जब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को बेटा एक इम्पोर्टेंट चीज बताई थी, फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स एंड एरोप्लेन। तो यहाँ आज की क्लासेस में हम एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कराने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो मोमेंटम है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का लीनियर मोमेंटम होता है। तो कि एक मोमेंटम आप लोगों को आगे क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है बेटा। कौन सा? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को आईडिया दे देता हूं कि बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी, ये मान लीजिए मेरे पास में है एक सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है, और ये उस सर्कुलर पाथ की डियर स्टूडेंट्स क्या है, ये बेटा उसकी सेंटर है वो, और इसकी रेडियस है बेटा आर। तो जब कोई बॉडी इन सर्कुलर पाथ के अंदर वी वेलोसिटी से चलती है, लीनियर वेलोसिटी वी है और एंगुलर वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स अगर ओमेगा होती है, इसको बोलते हैं बेटा ओमेगा, इसको बोला जाएगा एंगुलर वेलोसिटी बोली जाएगी। क्या बोला जाएगा बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। तो जब कोई बॉडी डियर स्टूडेंट्स जिसका मास एम है और डियर स्टूडेंट्स अगर वो सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट कर रही है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर दो मोमेंटम होते हैं, एक तो लीनियर मोमेंटम होता है डियर स्टूडेंट्स, और एक होता है बेटा हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कब प्रोड्यूस होता है डियर स्टूडेंट्स? लीनियर मोमेंटम कब प्रोड्यूस होता है डियर स्टूडेंट्स? मान लो कोई बॉडी है जिसका मास एम है, उस पर मैं क्या लगा दूं डियर स्टूडेंट्स, एक फोर्स लगा देता हूं और इस बॉडी की बेटा वेलोसिटी ये मोशन में आ जाएगा, तो मास इनटू में वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? लीनियर मोमेंटम कहलाता है। अगर वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो डियर स्टूडेंट्स जो एंगुलर जो मोमेंटम जो होता है वो क्या होगा बेटा? एम वी मास इनटू में वेलोसिटी इनटू में बेटा जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसकी बेटा रेडियस आर। तो एम वी आर जो होता है होती है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि डियर स्टूडेंट्स मास
इनटू में वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट जो होता है डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। अब देखो गैसेस का मास तो कम है बट वहां पर डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी कैसी है, बहुत ज्यादा है। वेलोसिटी कैसी है बेटा, बहुत ज्यादा। अगर वेलोसिटी अगर बहुत ही ज्यादा है तो डियर स्टूडेंट्स मोमेंटम भी बहुत ही ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो ग्रेट मोमेंटम से डियर स्टूडेंट्स ये हमारी जो गैसेस हैं ये क्या होंगी बेटा, रैपिडली क्या होंगी बेटा, आउट होंगी। रैपिडली क्या होंगी बेटा, आउट। जब ग्रेट स्पीड से जब बाहर निकलेगी तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर एक लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। इधर डायरेक्शन के अंदर, इधर डायरेक्शन के अंदर एक लीनियर मोमेंटम डियर स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होगा। और वो जो लीनियर मोमेंटम होगा डियर स्टूडेंट्स वो ग्रेट लीनियर मोमेंटम होगा, मतलब लार्ज लीनियर मोमेंटम होगा, लार्ज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आपको पता है मैंने आपको एक चीज बता दी कि लार्ज जो मोमेंटम है बेटा वो इधर डायरेक्शन के अंदर होगा। जब हम एलिवेशन फील्ड को बल करते हैं तो बहुत गैसे ग्रेट स्पीड से बाहर निकलती है, स्पीड ज्यादा होती है तो मोमेंटम भी कैसा होता है बेटा, ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। तो मोमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जो टोटल जो मोमेंटम जो होता है ना वो बेटा क्या होता है, किसी भी सिस्टम का जो लीनियर जो मोमेंटम है ना वो जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। इसका मतलब यहां अगर लार्ज मोमेंटम बेंडवा डायरेक्शन के अंदर है तो इस अगर इसके सिस्टम का लीनियर मोमेंटम नेट मोमेंटम डियर स्टूडेंट्स अगर किसी सिस्टम का जीरो होता है तो डियर स्टूडेंट को समझ लेना कि वो क्या होता है, वो ऑबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको पता है कि ग्रेट मोमेंटम किधर डायरेक्शन के अंदर होता है, ग्रेट मोमेंटम से गैस बाहर निकलती है इधर डायरेक्शन के अंदर। कौन सी डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब आपको पता है कि नेट मोमेंटम जीरो होता है तो क्या होगा बेटा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस लीनियर मोमेंटम ग्रेट है तो और उसे पूरा सिस्टम का मोमेंटम जीरो होना है तो उसको बैलेंस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स एक मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। किसके अंदर बेटा, रॉकेट के अंदर एक मोमेंटम प्रोड्यूस होगा डियर स्टूडेंट्स। और इतना मोमेंटम प्रोड्यूस होगा कि डियर स्टूडेंट्स इस रॉकेट के अंदर एक लार्ज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, प्रोड्यूस हो जाएगी। और जब लार्ज वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी तो डियर स्टूडेंट्स इसके जो रॉकेट के जो मास को, इस लार्ज वेलोसिटी को अगर मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो डियर स्टूडेंट्स वो मोमेंटम को ही निकल के आता है जो किसके अंदर होता है डियर स्टूडेंट्स, जिस मोमेंटम से क्या निकलती है डियर स्टूडेंट, गैसेस क्या निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स रॉकेट का मोमेंटम, रॉकेट का अगर मोमेंटम में देखें तो इधर डायरेक्शन के अंदर होगा और अगर मैं गैसेस का मोमेंटम देखता हूँ, गैस स्टूडेंट जिस मोमेंटम से गैसेस बाहर निकल रही है उसका मोमेंटम इधर डायरेक्शन के अंदर होगा। नेट मोमेंटम जीरो होगा तो इसका मतलब रॉकेट के अंदर प्रोड्यूस होने वाला जो मोमेंटम जो होगा वो गैस के लीनियर मोमेंटम के इक्वल एंड क्या होगा, अपोजिट होगा। और रॉकेट ग्रेट स्पीड से क्या कर जाएगा, गैस स्ट्रेंथ से मूव कर जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा सिंपल सी चीजें मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि जो टोटल जो मोमेंटम जो होता है डियर स्टूडेंट किसी सिस्टम का क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है,